वर्तमान समय में जिस तरह से बीमारी अलग अलग रूप लेकर लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, इससे लोगों की परेशानियां तो बढ़ ही रही है, लेकिन इन्हीं बीमारियों ने हमें आयुर्वेद का सही महत्व भी बता दिया है। इससे पहले तक आयुर्वेद को दोयम दर्जे का समझने वाले लोग अब मान चुके हैं कि आयुर्वेद से बड़े बड़े रोगों को हराया जा सकता है। ये शब्द दिल्ली के रहने वाली सुमन मित्तल के हैं। अपने आयुर्वेदिक पे आए, एलोपैथिक पे ना जाएं ज़्यादा, क्योंकि वो नुकसान ज़्यादा देती हैं, फ़ायदा कम करती हैं जी। एलोपैथिक आयुर्वेद तो जड़ से ही ख़त्म कर देता है बीमारी को। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी को ना एलोपैथ में ना जाके आयुर्वेद में आना चाहिए। थोड़ा वेट तो करना पड़ता है जी। और लेकिन आराम 100% मिलता है। 53 साल की सुमन जी को ये अनुभव तब हुआ जब वो घुटनों के दर्द से ग्रस्त हुई। शुरू शुरू में तो हल्का दर्द रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनका दर्द भी बढ़ता गया। घर की जिम्मेदारी को भी वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। दर्द से राहत के लिए उन्होंने दर्द के इलाज के लिए एलोपैथी को ही चुना। इससे फौरी तौर पर दर्द ठीक तो हो गया, लेकिन जैसे ही दवाई बंद की, बीमारी लौट आई। सुमन जी पैरों के दर्द से बेचैन रहने लगी। अब तो उनके पैरों ने मुड़ना भी बंद कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर धरती पर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी इसी धरती पर है। एक दिन सुमन जी को हकीम साहब के यूनानी और घरेलू नुस्खों के बारे में पता चला और यहीं से उनके स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी शुरू हुई। आइए जानते हैं कैसे। हकीम साहब को मैंने साधना चैनल पे देखा। उस समय मेरे को बैक पेन हुआ था, तो मैंने उनकी वो गौंसिया सुना था उन, तो मैंने उनको कॉल लगाया, कॉल तो मेरी लगी नहीं। फिर मैंने उस पर हेल्पलाइन पे उनको कॉल किया, तो वहाँ जाके डॉक्टर से मिली। डॉक्टर की टीम होती है वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी। एक गौंसिया लिखा, वो जैतून का सिरका लिखा, और चार चीज़ें लिखी गौंसिया में मिलाने के लिए। वो मैंने उनको शुरू किया, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। पैरों में ये जो यहाँ से होता है ना, ये ना फोल्ड होना बंद हो गया था, यहाँ पे दर्द होने लगा था ये। फिर मुझे उन्होंने भी गौंसिया के लिए ही कहा कि गौंसिया ही खाओ आप, उससे ठीक हो जाओ। तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दर्द में इस हद तक रिलीफ मिलने से सुमन जी एक तरफ जहाँ खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये सोच के अचंभित भी थी कि कैसे घरेलू नुस्खों और कुछ ही जड़ी बूटियों से उनके पैर का दर्द गायब हो गया। ये दौर चल ही रहा था कि सुमन जी के पति को उनका पुराना घुटनों का दर्द सताने लगा। सुमन जी अब निश्चिंत थी कि इसका इलाज हकीम जी की दवाइयों से मुमकिन है, लेकिन उनके पति को यूनानी पर यकीन नहीं था। हालांकि सुमन जी के समझाने के बाद पति ने हकीम जी द्वारा सुझाई गए दवाई का सेवन किया। इन दवाइयों के सेवन का रिजल्ट ऐसा आया कि उनके पति के घुटने का दर्द 3 दिन में ही गायब हो गया। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को अभी नी पेन हो गया था काफ़ी, मतलब पूरी लेग्स में ही हो गया था। तो काफ़ी और जगह भी दिखाया तो दवाइयों ने आराम नहीं किया। फिर ये यहाँ से टी केयर मंगाया, तो 4-5 दिन के बाद ही उनको आराम मिलना शुरू हो गया था। उन्होंने 2 डब्बे खाए तो पूरा आराम मिल गया उनको। उनको काफ़ी दिनों से था, थोड़ा थोड़ा तो काफ़ी दिनों से था, और अब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और दवाइयाँ भी की डॉक्टर्स वगैरह की, ऑनलाइन भी बाहर से भी मंगवाई, मसाज की भी मंगाई, मसाजर्स भी मंगाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर वो बिलीव भी नहीं करते थे इस पे, यूनानी पे। उनको तो एलोपैथी अच्छा लगता कि आराम मिल जाता है। क्यों नहीं करते थे मैम, एलोपैथी की क्यों अच्छा लगता था? उन्हें लगता कि तुरंत खाओ और ये तो आराम हो जाता है। फिर आराम ही नहीं हुआ, जब वो पेन किलर खाए तब आराम लगा, उसका असर खत्म हुआ, फिर पेन शुरू हुआ। फिर मैंने कहा, मैंने कि ये एक बार टी केयर खा के देख लो आप। तो मैंने कि वो नुकसान भी नहीं दे, फ़ायदा भी नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं देंगे। आराम लगना तो 3 दिन के बाद ही शुरू हो गया। 3 दिन के बाद ही बोलने लगे थे मुझे आराम है जी। हाँ, फिर उन्होंने दो महीने दवाइयाँ खाई हैं और पूरा आराम हो गया। अभी हम टूर पर भी गए थे तो वहाँ घूमे, कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से घूमे, कोई परेशानी नहीं। वहाँ पर भी मैंने और लोगों को भी बताया, काफ़ी लोग तो कह रहे थे हम तो खुद ही जाके मिलेंगे वहाँ से। हकीम जी के घरेलू नुस्खों ने मित्तल परिवार को सेहत से इस कदर नवाज दिया कि अब पूरा परिवार हकीम सुलेमान खान साहब का मुरीद हो गया है। हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए मित्तल परिवार घरेलू नुस्खों से इलाज कराता है।
सुमन जी अब इन नुस्खों को लोगों तक पहुंचा रही हैं और यूनानी को तरजीह देने की बात कह रही हैं। वो गोंद मोरिंगा किस चीज के लिए? उसके काफी टाइम बाहर रहा तो उसके बालों में प्रॉब्लम हो गई, तो बाल ना उसके बहुत कम हो गए। तो मैं वो टीवी पे सुनती ना, हकीम साहब बताते हैं सबको गोंद मोरिंगा बालों के लिए बहुत अच्छा, तो उसके लिए मंगाया। तो अभी उसके बालों पे तो इफेक्ट कम है, लेकिन उसके ना डार्क सर्कल हो गए थे, उस पर बहुत आराम हो गया, पिंपल्स आने लगे थे, वो भी ठीक हो गए। और इसको कोल्ड कफ की भी बहुत शिकायत हो जाती थी जल्दी जल्दी जी जी। अभी इसके लिए वो भी मंगाई है मार्जुन, मार्जुन आर केयर, हाँ वो मंगाया। तो यानी तो मुझे ना पूरा विश्वास है कि भाई थोड़े टाइम में इसका भी अच्छा हो जाएगा, बेटे का भी। अब मेरे हस्बैंड को भी पूरा विश्वास है जी। हाँ, अब उन्होंने भी अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया, ठीक है। अभी हमने उनको पहुँचाया, उनको भी काफ़ी दर्द है पैरों में। मैं सबको बोल दी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, मेरी फ्रेंड कल ही मेरी बात हो रही थी, मैंने कि आप भी उन्हीं की दवाइयाँ खाओ, काफ़ी दिन से पैर में प्रॉब्लम चल रही है, तो करी चलो खा लेती हूँ इस बार। ठीक होने के बाद सुमन जी और उनके पति कहते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत है, जो हमें अच्छा स्वस्थ और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। सभी को अच्छे सेहत के लिए प्राकृतिक तरीके से इलाज कराना चाहिए।